हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चिया ब्लॉग्स चैनल पर। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, तो मैंने सोचा कि पराठा सब्जी बना लेती हूँ। वही अभी मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ, और देखिए इसमें मैंने लगाया सरसों का ऑयल, क्योंकि रिफाइंड ऑयल हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। वो नुकसान भी करता है क्योंकि, और जो ये तेल है गाँव से जो आया था वो ये वाला प्योर तेल मैं यूज़ करती हूँ पराठे में और सब्जियों में भी, तो यही वाला ऑयल मैं यूज़ किया करती हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा अभी पराठे बना लेती हूँ नाश्ते में, तो वही मैं अभी यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ छत में कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि मैंने कपड़े धो लिए थे सुबह, और यही अभी मैं छत में धूप थी तेज़, तो मैंने जब फैला लेती हूँ क्योंकि जल्दी सूख जाते हैं, तो यहाँ पर अभी मैं पहले कपड़े फैला लूँगी। और अभी मैं आ गई यहाँ किचन में, चाय नाश्ते के बर्तन जो है वो मैं अभी यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, तो वही सुबह के टाइम पे बर्तन जो भी हो जाते हैं, तो वही बर्तन हो गए थे उन्हीं को मैं यहाँ पे वॉश कर लूँगी। थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो मैं उसी समय वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो ढेर लग जाता है बर्तनों का, इसी वजह से मैं जब भी थोड़े बर्तन होते हैं वो ही मैं वॉश कर लेती हूँ। जब नाश्ते के होते हैं तो नाश्ते के बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और फिर खाने के होते हैं तो उसी समय मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, वरना बर्तनों का ढेर लगा ही रहता है ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, और मुझे फिर दाल में तड़का भी लगाना था, क्योंकि दाल मैंने बॉईल कर ली थी, बस उसमें तड़का लगाना बाकी रह गया था, और बाकी खाना भी मैंने बना लिया था, तो बर्तन मैं धो लूँगी उसके बाद फिर मैं दाल में तड़का लगा लूँगी। यहाँ पर ये मैंने दाल बॉईल करके रखी हुई है, और कढ़ाई चढ़ा दी है इंडक्शन में, और ये है अरहर की दाल, और तेल यहाँ पे गरम हो चुका है, तो इसमें मैं तड़का लगा लूँगी। इसमें लहसुन प्याज वगैरह मैंने सब डाल दिया है, और धनिया टमाटर मैं डाल दूँगी, थोड़ी हींग भी डाली हुई थी, और जीरा भी थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया था। तो और दिन मैं लाल मिर्ची का तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें हरी मिर्ची काटी हुई है, और ऐसे ही मैं इनको थोड़ा सा भून लूँगी, और फिर इसमें मैं दाल डाल दूँगी जब ये थोड़ा सा भून जाएगा। तो दाल मैंने इसमें डाल दी है, और इसमें थोड़ा एक बॉयल आने रख दूँगी मैं, फिर दाल हमारी बनके रेडी हो जाएगी। और अभी यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, तो रौनक गया है कोचिंग, वही जा रहा है कोचिंग को, और यहाँ पे इनके पापा जा रहे हैं रौनक को छोड़ने कोचिंग, और ब्राउनी बाहर बैठा हुआ था तो वो भी चल दिया है छोड़ने, वो हमेशा जाता रहता है रौनक को छोड़ने कोचिंग के लिए। और मैं अभी आ गई हूँ छत में, तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ छत में, और यहाँ पे धनिया जो मैंने पेड़ लगाए हुए थे वो सूख गए थोड़े, तो उन्हीं में पानी डाल दूँगी, और दोपहर में कपड़े मैंने फैलाए थे वही मैं उठा लूँगी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को धनिया भी। देखिए फ्रेंड्स, अभी कल ही इनमें पानी डाला हुआ था, तो धूप इतनी तेज़ होती है कि सब सूख ही गया है। पहले कितनी हरी भरी धनिया थी, अब इतनी बची इसमें, और ये अभी पेड़ सूख गया तुलसी का, इनमें मैं सब में पानी डाल दूँगी अभी। और यहाँ पर मैंने लौकी का पेड़ लगाया था, लेकिन लौकी की जगह लौकी का तो नहीं निकला था पेड़, वो ख़राब हो गया था, तो यहाँ पर टमाटर का पेड़ निकल आया था, इसमें टमाटर लगे हुए हैं। मुझे पहले लगा था कि ये लौकी का ही पेड़ है, लेकिन जब इनमें टमाटर निकल आए तो तब मुझे पता चला कि यहाँ टमाटर है, क्योंकि मैंने लौकी का भी बीज लगाया हुआ था। और ये देखिए टमाटर इतने सारे निकल आए हैं हरे हरे, यहाँ पे देख सकते हैं जितने पेड़ है सब टमाटर के लगे हुए हैं, तो इन्हीं में मैं पानी भी डाल ली हूँ। तो धनिया तो बहुत कम रह गई है, अब जब मैंने लगाई थी बहुत ज़्यादा हरी भरी थी, और इनमें भी मैं पानी डाल दूँगी अभी। और ये टमाटर के पेड़ है, इनमें भी मुझे पानी डालना है, और जो है अमरूद का पेड़ और नींबू के पेड़ में भी फिर मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ पे ये टब में जो लगाया है नींबू का पेड़ है, और वहाँ पे ड्रम में जो लगा है वो अमरूद का पेड़ है, तो उन्हीं में मैं पानी दे रही हूँ अभी। और कपड़े यहाँ पे सूख गए हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज रहती है आजकल, जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, और जल्दी नहीं उठाओ तो थोड़ा कपड़ों का रंग ही उड़ जाता है। तो कपड़े यहाँ से मैंने उठा लिए हैं, और आ गई हूँ मैं नीचे किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अदरक वाली,
तो चाय मैंने इंडक्शन में चढ़ा दी थी। वही मैं अभी अदरक यहाँ पे छिल रही हूँ, तो अदरक वाली मैं यहाँ पे अभी चाय बना रही हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोग न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।